नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों आज के टाइम में जब किसी के घर में लड़की का जन्म होता है तो माता पिता को सबसे पहले टेंशन होने लगती है बच्ची की पढ़ाई का और उसकी शादी का। मतलब बच्ची का जन्म होते ही माता पिता में टेंशन होने लगती है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना निकाली है, जिसके तहत आप बैंक में जा करके खाता खुलवा सकते हैं और खुलवा करके उसमें मंथली बिल्कुल लो लेवल में 250 रुपये जमा कर सकते हैं और 10 साल के बाद उसमें से आप जो पैसा निकाल करके बच्ची को पढ़ा सकते हैं, उसकी शादी कर सकते हैं। तो उसका पूरा डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाना है, पैसा महीने में कितना जमा करना है, अगर महीने में आप 250 रुपये 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा, ये पूरा वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से निकाला गया है। और दोस्तों खाता कैसे खुलवाएं, पैसा कितना जमा करना है, इससे पहले जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो कृपया मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो मैं उसको कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए एक वीडियो का पैकेज बना करके दूंगा। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आप लोगों को कि पहले अगर आपके घर में बच्ची का जन्म हुआ है तो उसके लिए अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें दो ही बेटियों का खाता खुल सकता है। जैसे आपके चार बेटियां हैं तो चारों का खाता नहीं खुलेगा, सिर्फ दो ही बेटियों का खाता खुलेगा। हाँ, अगर आपके जुड़वा बेटियां पैदा हो गई, पहले तो एक लड़की पैदा हो गई, दोबारा अगर जुड़वा बच्ची जिन्हें जन्म ले लिया है तो उस पर एक उन दोनों के नाम से एक खाता खोला जाएगा तो वो बेनिफिट उनको मिल जाएगा। पर दो के अलावा उसमें दोस्तों तीन खाते नहीं खुलेंगे। और खाता खुलवाने के लिए दोस्तों आप माता पिता के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र 1 साल से लेकर के 10 साल तक के बीच में बच्ची का एज होना चाहिए, 10 साल के बाद ये खाता नहीं खुलेगा। तो दोस्तों कन्फर्म हो गए होंगे कि खाता कैसे खुलेगा। तो दोस्तों खाता इस प्रकार से खुलता है। अब इसमें आपको पैसा कितना जमा करना है, तो दोस्तों इसमें 250 रुपये से लगा करके आप पैसा जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये तक। मतलब 250 रुपये जमा कर सकते हैं महीने में, 500 रुपये जमा कर सकते हैं, 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, 2000 रुपये जमा कर सकते हैं, 5000 रुपये जमा कर सकते हैं, 10000 रुपये महीना जमा कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतना दोस्तों आप जमा कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसमें जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो उसका 50% आप निकाल सकते हैं, उसके पढ़ाई में लगा सकते हैं। और उसके बाद जब लड़की 21 साल की पूरी हो जाएगी तो आप निकाल करके उसकी शादी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये स्कीम जो दोस्तों निकाली गई है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप 1000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं तो उस 1000 रुपये महीना जमा करने पे आपको कितना मिलेगा। और हाँ दोस्तों एक बात और इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिएगा, ये अगर आप जमा कर रहे हैं तो जब लड़की 18 साल की पूरी होगी तभी निकलेगा, बीच में आप नहीं निकाल सकते हैं। या तो कब निकाल सकते हैं, या तो जब लड़की की अचानक मृत्यु हो गई हो तब हो सकता है, या तो लड़की विदेश में किसी NRI से शादी कर ली हो तब ऐसा कर सकते हैं आप। और दोस्तों चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर 1000 रुपये महीना आप जमा कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप 1000 रुपये महीना जमा करेंगे तो आपका टोटल 1,80,000 रुपये जमा होगा। और जो पैसा निकलेगा तो दोस्तों वो निकलेगा 5,10,373 रुपये। मतलब आप 1,80,000 रुपये जमा करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट जोड़ करके जो ब्याज होती है उसको जोड़ करके ये 5,10,373 रुपये आपको मिलेंगे इसी के लमसम। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, सरकारी बैंक में आप जाकर के कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में, चाहे वो SBI का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पोस्ट ऑफिस हो, किसी भी सरकारी बैंक में आप जाकर के इस लाभ का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा।
ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि ये बेटी का सवाल है। अगर आप लोग बेटी को मानते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।